दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 1,00,000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद 1,00,000 से अधिक मरीजों वाला दिल्ली तीसरा राज्य बन चुका है। दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,379 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 1,08,23 हो चुकी है। सोमवार शाम को जारी हुई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बीते 24 घंटे में 48 मौतें हुई हैं। इस तरह कोरोना महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या अब 3,115 हो चुकी है। कुल मामलों में से 72,088 मरीज इलाज के बाद पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 25,620 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज अभी भी जारी है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। आज काफी दिनों बाद 2,000 से भी कम संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रोज 1,000-2,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे थे। अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो आज 13,879 सैंपल की जांच की गई। इसमें से 5,327 सैंपल आरटीपीसीआर और 8,552 सैंपल की जांच रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से हुई है। अब तक दिल्ली में कुल 6,57,383 सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रति 10,00,000 व्यक्ति में से 34,599 सैंपल की जांच हो रही है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।